धरना तो गायब है। वो तो हमारे वहाँ बोलते थे खतड़वा बहलो। बस खतड़वा के अलावा कुछ नहीं आता तुमका। सही में जी के बैग भी पैक हो गए यहाँ पे जाने को। देखना कैसे बैठ रहे। खुशी मिल रखी दादा आए ना। तुम्हारी याद आ रही है। यार मेरा भाई मस्त लग रही है सूट में आज मेरे को पहली बार देख रही है ऐसे। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7:20 से हो रही है। अंकल जी भी आ गए यहाँ पे गाड़ी लेके। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सब कुछ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। आज मैं सुबह सुबह नहा के इसलिए मैंने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अंकल जी ने भजन लगा रखे हैं। आज तो हम रोड पे जाएंगे है ना। आज हम चाफी में आए हैं, ऊपर अंकल जी ने मुझे चाय पिला दी है, चॉकलेट के बदले चाय पिलाई है उन्होंने मुझे। अच्छा अब यहाँ पे इसको रोको, पहले क्लच ब्रेक दबाओ। क्यों कैसे आएगा इससे? आ जाएगा। ये तो यहाँ बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? कैमरा तो इधर है, नहीं पता चला। गियर है, न्यूट्रल है। हाँ चलो। धरने वगैरह है, पुल आ रहा होगा इसमें। लो भाई, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते चाफी से वापस आ गई हूँ, चाफी की साइड से। और यहाँ पे झरना तो गायब है, झरना तो पाइप में कन्वर्ट हो गया। अंकल जी बोले झरने में रुकता हूँ और झरना यहाँ से गायब है, झरना पाइप में आ गया। देखो वाह, यहाँ से झरना आता है पर अभी ये पाइप में हो गया, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन बंद हो गया ना, तो पानी भी कम हो गया, इसलिए पाइप के थ्रू इतना इतना आ रहा है। पर लोगों ने यहाँ गंदगी बहुत कर रखी है, देखना। लोग यहाँ घूमने आते हैं, दारू पार्टी करने आते हैं और सब ऐसे ही छोड़ जाते हैं ना, है ना। अंकल जी शर्मा क्यों रहे? मेरे टीचर शर्मा रहे यहाँ पे। आप बताओ, आप कितने सालों से गाड़ी सिखा रहे हो? 35 साल से। बाप रे, तो अगर किसी को गाड़ी सीखनी होगी तो मैं अंकल जी का नंबर यहाँ पे डाल दूंगी स्क्रीन में, तो आप अंकल जी को कांटेक्ट कर सकते हो गाड़ी सीखने के लिए, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे पिकअप हो, चाहे कुछ भी हो, आप अंकल जी से कांटेक्ट कर सकते हो। और सुबह सुबह चाफी की साइड इतनी भीड़ रहती है ना। चलो भाई, 8:30 बजे तक मैं भी आ गई हूँ वापस। अंकल जी अब जा रहे हैं, उनके दूसरे वो आ गए, स्टूडेंट आ गए हैं अब सीखने के लिए। अब हम जाएंगे नाश्ता बनाएंगे। आज ससुर जी ने भी गांव जाना है, घर जाना है मतलब, तो संदीप भी आ गया सुबह सुबह। हमारी गाड़ी रेडी तो होगी? हाँ शायद, और ही लग रहा। मोटापा क्या बोल रहे हो? मोटापे की दुकान है तू तो पूरी। क्या करूं, मोटी हो गई तो हो। गेंडा स्वामी कह रहे पापा अंदर से। गेंडा स्वामी आओ दोस्तों, चॉकलेट्स खा लो। तू खाई गया इसमें? तेरे को थोड़ी दे रहा हूँ। मैं खा भी नहीं थी, मैं खानी होती तो खाली हो जाता और दिखता भी नहीं तुमको चॉकलेट। कितनी गाड़ी सीखी आज? तो मैं चाफी गई थी। चाफी गई? हाँ। मजा आया चलाने में? भत्ती। तो सुबह ना मैं नहाई, मैं कपड़े लगा के चली गई थी, अब बस कपड़े भी धुल ही चुके हैं। और ससुर जी के बैग भी पैक हो गए यहाँ पे जाने के लिए, अभी पता नहीं कब तक गाड़ी आएगी तब निकलेंगे। संदीप उधर सो रखा है अभी, और ये भी चले गए हैं सीधा हाइट में क्लाइंट के साथ। चले जा वैसे तू भी ससुर जी के साथ घूम के आ जाएगा। कौन से बॉर्डर लाई दा? मेरे को दे उठा नहीं पा रहा है, जानबूझ के मेरे से ले जा रहा है। पेट भर दिया ना बस, इतना ही आज के लिए। चल 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 चल, वो तेरे को मानने भी आएगी। चले गए दोनों, हम सेक रहे हैं यहाँ धूप। आज आसान नहीं है तो हम तीनों के तीनों चारों के चारों हैं। हेमा दी तो यहाँ लमलेट हो गई है पूरी की पूरी, देखना धूप में इनको मस्त नींद आ रही है यहाँ पे। और ये चाय सूख रहा है। अच्छा उठ रहे, इसको देखना गाड़ी की कैसी झांझ लगी हुई है। यार सुबह सुबह पहुंच गया था, उसके बाद सो रखा है, अभी उठ रहा है ये। अभी उठ कहाँ रहा है, सिर्फ आंखें तो खुली है, सो तो अभी भी रखा है शरीर से। ये भी पहुंच गए यहाँ पे।
मस्त मस्त हो रही है थकान, मस्त है ना। चलो खाने रखो फिर। ये डेजी इतनी चालू है ना हमारी, इसको देखो ये हमारे दरवाजे पे बैठी हुई थी, मैंने इसको बिस्किट दिया, इसने खाया नहीं, और अब मैंने इसको बिस्किट दूध के साथ भिगा के दिया तो इस मैडम ने खा दिया। चालू है ना तू तो? देखो उसकी नजर किस तरह की। ले, क्योंकि मुझे कोई कटोरी नहीं मिली, मुझे ढक्कन में ही देना पड़ा। शाम को देखना ये कितना रेडी शेडी हो गया। आ रही है, मस्त लग रही है, मस्त लग रही है सूट में। सूट में आज मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे। और हम जा रहे हैं यहीं पे ही। अब मुझे बैठने तो दे। ये बोल रहे हैं मैं इसको ले जा नहीं पाऊंगी, बोले बहुत भारी है। आ भैया पहुंच गए यहाँ। क्या हाल है? प्रणाम। कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्लॉग कर रहा है। ये देखो यहाँ बैठी है जनता। जनता, अरे मैंने मैंने कल ही वो स्टोरी देखी ना, मेरी बीवी थोड़ी भालू है, भालू पैर के छुओ। ये राधा, ये देखना कैसे बैठ रही है। खुशी मिल रखी राधा है ना। हाँ, हमने कहा मिलने से मिस कर रहा। अब हम करकोटक जाएंगे। कब चल रहे हैं? कब चल रहे हैं हम? पता नहीं कब चल रहे हैं, क्योंकि कब से करकोटा का प्लान बनाया तब से भैया दो बार मुंबई आके जाके भी चले गए। आके जाके भी चले गए। हां फिर मुंबई नहीं जाएंगे, अभी नहीं जा रहा हूं। करकोटा कैसे ट्रिप करेंगे? अब हम इन्हें मुंबई नहीं आने देंगे। ये तुम्हारी याद आ गई यार, मेरा भाई आज फिर लड़ता भी आए। वही तो, आज तो पानी भी नहीं है, यहां तो लग जाएगी। बाय बाय। ये लोग जा रहे हैं पोलो बियर चिकन हमारा, ठीक है सब लोग को। आज मैंने ऐसा बाय बाय। दादा जा रही है अभी घर। ओ वो फुरफुरान स्कूटी में जा रही है। आज मैंने ये पहन रखा ना, इसलिए भैया मुझे पोलो बियर बोल रहे। ठीक है, ठीक चू, बाय 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 बाय। तो आज है बूढ़ी दिवाली, मतलब हम लोग क्या तो इगास बोलते हैं, यहाँ बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, जो 11 दिन बाद मनाई जाती है दिवाली के। तो मैंने भी यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह लगा दी है। अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हम लोग के यहाँ आज के दिन तो भैला खेला जाता है, जो छिल्लो का बनता है, पूरा छिल्लो का जो गट्ठर बनता है, फिर उसको जो रस्सी बनाते हैं घास की, फिर उसमें घुमाते हैं। देखा होगा आपने पुनीत के ब्लॉग में, देखना उसने दिवाली में भी किया था। और बाकी बूढ़ी दिवाली इसमें मनाई जाती है 11 दिन बाद, क्योंकि जब राम जी अयोध्या आए थे तो जब अयोध्या वासी थे उन लोगों को तो उसी दिन पता चल गया था, तो इसलिए उस दिन दिवाली मनाई जाती है। लेकिन जब खबरें दूर दूर तक पहुंची तो वो 11 दिन बाद पहुंची जो दूर दूर के गांव थे, तो इसलिए उस दिन बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, इगास वाला, मतलब जिसको इगास बोला जाता है। तो ये रीजन है उसका 11 दिन बाद मनाने का, क्योंकि दूर गाँव तक, क्योंकि उस टाइम पे फोन कॉल्स तो होते नहीं थे, उस टाइम पे संदेश चलते थे, तो वो 11 दिन बाद पहुंचा था गाँव गाँव में, तो सबने तब खुशियां मनाई थी, इसलिए उसको इगास बूढ़ी वाली। मैं भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जो अभी अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मिली है। तो हमारे दिपतुल थे वहाँ घर पे मायके में, तो सबके सब हमारे परिवार वाले इकट्ठा हो रखे हैं वहाँ पे, चाचा जी चाची जी और मतलब सबके सब। तो वहाँ पे ना वो खेल रहे हैं चौपाल जो खेलते हैं ना, तो उसकी वीडियो शेयर करूंगी मैं आपको, आप लोग जरूर देखना, ठीक है? मेरे को चिढ़ा रहे हैं वहाँ से दूर दूर से लोग। और क्योंकि हमारे यहाँ भैलो खेला जाता है तो वीडियो लगी हुई है, तब मुझे याद आ रही है भैलो। भैलो? यस, वो तो हमारे वहाँ बोलते थे खतड़वा भैलो। बस खतड़वा के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हारा? सही में खतड़वा खतड़वा भैलो बोलते थे, कुछ नहीं मिलता तो मेरे को वो खतड़वा बोल के बस छेड़ना शुरू कर देंगे। छेड़ नहीं रहा हूँ, आप लोग बताना, मतलब जो हमको खतड़वे से फर्क भी नहीं पड़ता। अरे हमें भी नहीं पड़ता बाबू, हम लोग को क्या पता, नई जनरेशन ठहरी, हम लोगों ने तो अपना प्यार मोहब्बत से रहना है। तो तुम बार बार खतड़वा खतड़वा बोलते हो। अरे वो तो एक मजाक वाली बात है कि अब उससे पुराने जमाने के लोग चढ़ाते हैं, तो इसलिए हम भी उसको बोल रहे हैं कि मजे मजे में, हम उसको मजे में ले रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खतड़ तुम्हारे वहाँ, जब तू बोली आज भैलो है, तो भैलो को हमारे वहाँ पे उस दिन जैसे तुम्हारे वहाँ आग से ऐसे ऐसे घुमाते ना, वही करते ना, इक्यासी के दिन, इक्यासी नहीं इगास मतलब तुम्हारे वहाँ इगास बोलते हैं, हमारे वहाँ इक्यासी बोलते हैं उसको। इक्यासी मतलब जब 11 मतलब 10-11 दिन हो जाते हैं दीपावली के, ऐसी उसको इक्यासी बोलते हैं। तो
उस दिन हमारे वहां भी तो ऐसे ही करते हैं, आग वाग लेके जाते हैं खतड़ुए के दिन। उस दिन बोलते हैं खतड़ुआ भैलो, खतड़ुआ भैलो, खतड़ुआ भागो धारम धार, ऐसे कुछ। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग देखना। आज सबके सब वहां पे भैलो खेल रहे हैं और आजकल एक दो दिन सबके सब खाना खा रहे हो। पर मेरे को मैं सोच रही हूँ, मैं पहले क्यों नहीं गई माई के भयंकर। इन्होंने बोला मेरी छुट्टी होंगी तब जाएंगे, अब मैं रुक गई भयंकर। अच्छा खासा दिवाली में जा रही थी मैं भी, अब मुझे याद आ रही है अभी मैं भी वहाँ के मजे करती। अभी वीडियो शेयर करूँगी, देखना ठीक है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बिजी रहो। ये खत्म के घूमे ले जी। इन्हें खाना जरा रुक गया। बाजरे से बांध से